بسم الله مريم، السلام عليكم dear viewers. एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ नाश्ते में हम आपके लिए हाजिर हैं. सेम रेसिपी, सेम मसाले, सब्जी तब्दील, फ़र्क ये है. यहाँ पहले मैंने आपको बैंगन फ्राई करके दिखाया, तूरी फ्राई करके दिखाया, आज मैं आपको टिंडा देसी फ्राई करके दिखाऊंगा. उसमें भी नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया मसाला पाउडर था, यहाँ पे भी ये तीन मसाला जात हैं. इन तीनों को हम दो हिस्से में करेंगे उसी तरह, और इसके बाद इनको चीर लगाएंगे प्लस में, और चीर लगाने के बाद ये मसाला फिल करेंगे और ऑयल में फ्राई करेंगे. दरमियानी आँच पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये सख्त सब्ज़ी है, थोड़ी देर से गलती है, लेकिन पकने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनती है माशाल्लाह से. हमारे साथ आइए, काम को स्टार्ट करते हैं. देखें व्यूअर्स, दो हिस्से में ये सब्ज़ी हो चुकी है, अभी हम इसको चीर लगाएंगे. अब देख सकते हैं चीज लग चुका है सारे तीनों को. अब हम इनमें मसाला फिल करेंगे और पैन में रखते जाएंगे. मसाला मिक्स हो चुका है, यहाँ पे आप अपना नमक, मिर्ची, जायका टेस्ट कर सकते हैं. ऐसे ना हो कि बाद में कहें कि कामरान भाई ने काम दिलवा दिया, ऐसा नहीं बोलेगा, अपने जायके के हिसाब से शामिल करें. ऑयल शामिल करेंगे ऊपर, तो हमने अभी उल्टा कर दिया है, नीचे से देखें तकिम सेक गए, पक गए. हमने जो ऊपर की सतह अभी उल्टा किया है इसको, ताकि वो सिक जाए, पक जाए, गल जाए. इसको हम ढकना देंगे 5 मिनट तक, इसके बाद सीधा करके 2 से 4 मिनट और पकाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, कच्चा ना रह जाए कहीं से. पेस्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स लगाएं, शेयर करें, फिर भेज दें. मेन्यू कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. लस्सी दही के साथ नोश करें नाश्ते में, पराठे के साथ. अल्लाह हाफिज़.